शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी यानी कि वीबीए के प्रमुख प्रकाश अम्बेडकर विदर्भ के अकोला से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सोमवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा उनकी पार्टी और वीबीए ने पहले ही गठजोड़ कर लिया है। उन्होंने कहा उनकी पार्टी का मानना है कि वीबीए महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है जो महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन है। संजय राउत ने कहा वीबीए को एमवीए में औपचारिक रूप से शामिल करने का काम निकट भविष्य में होगा। इसके अलावा वीबीए प्रमुख प्रकाश अम्बेडकर के साथ लगभग 6 बैठकें हो चुकी हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अम्बेडकर से बातचीत की है। एमवीए साझेदारों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि प्रकाश अम्बेडकर आगामी आम चुनाव में अकोला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा वीबीए किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगी इस पर भी चर्चा अंतिम चरण में है। अम्बेडकर की शिवसेना से अपील, अगर एमवीए सदस्य सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने में विफल रहे तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए वीबीए के साथ गठबंधन करें। महाविकास अघाड़ी को अब लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला लाना चाहिए। कोरेगांव भीम आयोग के समक्ष गवाही देने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा शिवसेना यूबीटी को ये खुलासा करना चाहिए कि वो कांग्रेस और राकंपा के साथ गठबंधन में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।